हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ माय न्यू सीरीज़ और ये मेरी सीरीज कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशनल सीरीज है सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन ऑस्ट्रेलिया तो ये बहुत ही कॉमन डाउट है बिकॉज जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो एज अ स्टूडेंट वीजा पे तो आपको पार्ट टाइम जॉब करना यहाँ पे नेसेसरी है इन ऑर्डर टू मैनेज योर एक्सपेंसेज तो आज उसके बारे में बात करेंगे सो लेट स्टार्ट सो वेरी फर्स्ट पॉइंट अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई भी पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करना है ईवन दो अगर आपको फुल टाइम जॉब अप्लाई करना है देन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ टैक्स फाइल नंबर सो टैक्स फाइल नंबर ये टैक्सीशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है और गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो और कितने आवर्स वर्क कर रहे हो सो वेरी फर्स्ट थिंग अगर जॉब यहाँ पे फाइन करना है देन आप टैक्स फाइल नंबर आपका बना सकते हो एंड अगर आपको कोई भी यहाँ पे फ्री या फिर बिजनेस ओपन करना है देन आपको ए नंबर होना बहुत जरूरी है विच इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर सो ये दो चीज़ें मतलब अगर आपको जॉब करना है देन टैक्स फाइल नंबर अगर आपको फ्रीलैंसिंग का काम करना है यहां पे देन यू नीड टू हैव ए एबीएन नंबर नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज यूर सी वी एंड रेज्यूम है जो ऑफकोर्स बहुत कॉमन भी है बिकॉज अगर आपको कोई भी पार्ट आई मीन कोई भी अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है देन तो आपका सीवी एंड रेज्यूम में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है सो so, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं वो है एक सेम सी वी या फिर सेम रेज्यू हर जॉब के लिए सबमिट uh, करते हैं uh, जब आप यूनिवर्सिटी में अगर कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वो सेम सी वी या फिर जो सेम रेज्यूम है वो अगर आप कोई दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेट्स कंसिडर सुपर मार्केट के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो सो इट डजेंट वर्क लाइक दैट जॉब के डिस्क्रिप्शन के बेस पे आपका जो सीवी और रेज्यूम है वो फॉर्मेट में होना चाहिए सो so उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू राइट सीवी और रेज्यूम सो so ये वीडियो में मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं एंड ऑफकोर्स आपको सी और रेज्यूमे के साथ कवर लेटर ऐड करना है जिसमें आपको मैंशन करना है कि वाई यू आर सुटेबल फॉर दैट जॉब नाउ थर्ड पॉइंट ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करना है तो यहाँ पे दो वेज है फर्स्ट इज ऑनलाइन एंड सेकंड इज ऑफलाइन यहाँ पे ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए कुछ कॉमन पोर्टल्स है जहां पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो उसमें से एक है गमट्री जॉब डॉट कॉम डॉट ए यू देन सीख डॉट कॉम डॉट एयू जोरा डॉट कॉम डॉट एयू Uh, आप फेसबुक के थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हो एंड ऑफकोर्स देर इज अ लिंक इन और जितने भी लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में हो गए कि कौन से कौन से आप पोर्टल से जॉब अप्लाई कर सकते हो सो so, ये सारे पोर्टल है जहां से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफलाइन जॉब्स अगर आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करके जॉब्स नहीं मिल रहा है स्टिल आपको ऑफलाइन जॉब्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है सो ऑफलाइन जॉब्स में आप बेसिकली जो आपका रेज्यूम और आपका सी वी है वो प्रिंट प्रिंटआउट्स लेते हो एंड डोर टू डोर आप सीवी और रेज्यूम हैंड ओवर करते हो सो so, जब भी आप ये सीवी और रेज्यूमे हैंड ओवर कर रहे हो सो मेक श्योर दैट आप वहां पे मैनेजर मतलब जो भी आप वहां पे मैनेजर होगा उसके हाथ में ही वो रेज्यूम देना बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो स्टाफ होते हैं अगर आप उनके हाथ में रेज्यूम देते हो तो so वो मैनेजर तक नहीं पहुंचता बिकॉज उनको जॉब इन सिक्योरिटी की वजह से सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हो वहां पे आप मैनेजर के हाथ में ही वो सीवी और रेज्यूमे देना एंड ऑलवेज ड्रेस वेल जब भी आप ऑफलाइन या फिर डोर टू डोर रेज्यूमे हैंड ओवर करने जा रहे हो एंड आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे जब भी आप वहाँ पे मैनेजर से मिल रहे हो और आप उनको रेज्यूमे दे रहे हो सो मेक श्योर दैट नाउ फिफ्थ पॉइंट अगर आपने दिन में फाइव और टेन जॉब्स अप्लाई किए एक्सपेक्ट कि आपको जॉब मिल जाएगा तो इतना इजीली यहां पे वर्क नहीं करता आपको डेली ट्वेंटी टू थर्टी जॉब्स अप्लाई करना है एक टारगेट रखो कि एवरी डे मुझे ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई करना है बिकॉज यहां पे आप मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप फिफ्थ या फिर सिक्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड देन यू गेट अ जॉब बट इन अदर सिचुएशन ऐसा भी होता है कि आप 200 या फिर 300 हंड्रेड जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उसके बाद आपको जॉब मिल रहा है बिकॉज इन माई केस मैंने 200 हंड्रेड प्लस जॉब्स के लिए अप्लाई किया था तभी जाके मुझे मिला था कि आप डेली ट्वेंटी जॉब्स अप्लाई करो ऑनलाइन पोर्टल से जो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी कि कौन से कौन से पोर्टल्स है वहां से आप अप्लाई कर सकते हो नाउ सिक्स पॉइंट वो है नेटवर्किंग और रेफरेंसिंग सो बेसिकली आप यहाँ पे नेटवर्किंग करो लोगों से मिलो उनसे पूछो जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे कोई वैकेंसी है क्या रीजन यहाँ पे रेफरेंसिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सो so अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव ऑलरेडी कहाँ पे वर्क कर रहा है सो ऑलवेज आस्क देम कि वहाँ पे कोई वैकेंसीज है कि नहीं बिकॉज वो आपको रेफरेंस कर रहे हैं तो इसमें जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो so ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखें जब भी आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फाइंड कर रहे हो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब टाइप्स आई एम श्योर आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे कि यहाँ पे कौन से जॉब ईजिली अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स को सो so, जो इजिली अवेलेबल आपको कुछ जॉब्स होते हैं वो होते हैं आप यूनिवर्सिटी में एज अ लैब असिस्टेंट वर्क कर सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटी में अगर जॉब नहीं मिल रहा बिकॉज दैट्स वेरी हाई रेशो कि ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं एंड जो वैकेंसीज होती है यूनिवर्सिटी में वो बहुत ही कम होती है सो so, आप दूसरे कोई और जॉब्स कर सकते हो जैसे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो आप यहाँ पे जो सुपर मार्केट है वहां पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे पेट्रोल पे स्टेशन में काम कर तो so, आप यहां पे जो फूड फ्रेंचाइजीज होती है जैसे मैकडोनल हो गया डोमिनोज हो गया वहां पे आप काम कर सकते हो आप यहां पे एज एज में काम कर सकते हो देन आप लॉन्ड्री सर्विस में काम कर सकते हो आई एम श्योर ये सारे जॉब से हर कोई कंफर्टेबल नहीं होगा बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे आने के बाद ये सारे जॉब्स करते हैं अगर आपको फ्री का जॉब करना है तो आप वो भी आपके जो स्किल्स हो जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो या फिर आप कोई और सर्विस में एक्सपर्ट हो तो आप यहाँ पे एज अ फ्री जॉब्स भी कर सकते हो सो ये सारे जॉब्स यहाँ पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं नाउ फाइनल जॉब ऑप्शन अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिल रहा अगर आपको आपके फील्ड रिलेटेड आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा है अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिल रहा है देन स्टिल आपके पास एक ऑप्शन होता है वो है फूड डिलीवरी सर्विस सो बेसिकली यहाँ पे ऊबर रिट्स या फिर डिली डोर डैश या फिर डिलीवर ये तीन चार ऑप्शन है जहाँ पर आप फूड डिलीवरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो सो so बेसिकली आपको उसके लिए ज़रूरत होती है एक बाइक और कार या फिर आप साइकिल यूज़ कर सकते हो सो so, उसके लिए जो इंडियन लाइसेंस होता है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वैलिड है और आपकी जो अर्निंग होगी उससे वो 300 से लेके 400 हंड्रेड डॉलर वीकली अर्निंग होगी अगर आप 20 आवर्स काम कर रहे हो एंड इट्स नॉट अ बैड जॉब बिकॉज आप आपके टाइम के हिसाब से आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो सो so, अगर आपका यूनिवर्सिटी अगर आपके असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट होने के बाद आपका जब भी मन होगा तभी भी आप वो डिलीवरी जो जॉब्स है वो आप स्टार्ट कर सकते हो सो ये सारे ऑप्शन थे आपके पास जॉब के लिए नाउ फाइनल पार्ट ऑफ माई वीडियो देट इज़ माई ओपिनियन सो मेरे ओपिनियन में अगर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फाइंड करना है देन आपको मे बी फिफ्टीन डेज या फिर वन मंथ के अंदर आपको ईजिली जॉब मिल जाता है अगर आप करेक्ट वे में फाइंड कर रहे हो जॉब अभी एट द मोमेंट कोविड की सिचुएशन से बहुत सारे जॉब कर्ट्स है बट आई एम प्रिटी श्योर ये जल्दी रिकवर हो जाएगा एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट बिकॉज अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया में कहाँ पर भी जाओ आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा सो डोंट वरी और आने वाले टाइम में और मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाने वाला हूँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको व्लॉग्स देखना तो यहां पे आई बटन होगा वहां पे आप व्लॉग्स भी देख सकते हो और थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए सो मैं आपको मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो थैंक यू